कल हमने पाठ आठ का सारांश पढ़ा था और हमारी कविता का नाम था यह सबसे कठिन समय नहीं। लेकिन आज बच्चे हम इसका व्याख्या और भावार्थ करेंगे, प्रसंग भी जानेंगे। इसके कवयित्री हैं जया जादवानी। आइए पढ़ते हैं। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पर बहुत सुंदर लाइनें लिखी है और चिड़िया के बारे में बताया है। तो पहले आप इसका प्रसंग देखेंगे, ये देखिए प्रसंग नंबर एक हम लिखेंगे प्रसंग, नंबर दो पर करेंगे व्याख्या और फिर हम करेंगे भावार्थ। प्रसंग, यही पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन से यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। इस कविता की कवित्री का नाम जया जादवानी है। इन्होंने इन पंक्तियों में चिड़िया के बारे में बताया है। व्याख्या, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि आज का जो समय है वो इतना कठिन नहीं है, अभी इतना कठिन समय नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपने बातों से बताती हैं, बातों के द्वारा कई बातें बताती हैं यहाँ पर। और सबसे पहले, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में दिन का, चिड़िया के द्वारा वो बताना चाहती है कि अभी जो समय है वो इतना कठिन समय नहीं है, इतना कठिन समय नहीं आया है। क्योंकि छोटी सी चिड़िया जो कि पक्षी है वो भी अपनी चोंच में तिनका लेकर के बार बार उड़ती है, बार बार अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, और अभी भी वह उड़ने की तैयारी में है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि वह उड़ने की तैयारी में है, कि चिड़िया का जो तिनका मुंह से गिर जाता है तो वो बार बार उठाती है और बार बार उड़ने की तैयारी करती है। अर्थात वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारती, अपना घर जब तक नहीं बना लेती, अपने बच्चों को रहने का स्थान नहीं दे देती, तब तक चिड़िया इस कार्य में लगी रहती है। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि जब पक्षी चिड़िया अपना घोंसला नहीं तोड़ती तो हम इंसान कैसे अपने इसको तोड़ सकते हैं, घोंसले को तोड़ सकते हैं। इसीलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है।